हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए श्रुति लेख का वीडियो लेकर आई हूँ कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन समझने होंगे। सबसे पहले तो ईयरफोन्स यूज़ करिए अगर आवाज़ आपको साफ़ नहीं आ रही है तो, और जो मैं आपको बोलूँगी उसको आपको भी अपने मन मन में दोहराना है लिखते समय, ताकि आपका उच्चारण भी शुद्ध हो। क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ इमला की तभी होती हैं जब आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होता, आप गलत बोलते हैं और उसको उसी प्रकार गलत रूप में लिख लेते हैं। और पूरा वीडियो खत्म करने के बाद जितनी आपकी गलतियां होंगी उनको शुद्ध रूप में 8-10 बार लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, ताकि फ्यूचर में उन शब्दों की गलती आपसे दोबारा से ना हो। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे पास एक यही मोटिवेशन होता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं। चलिए लिखना शुरू करिए। मधुर 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 मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पाठ में कवयित्री महादेवी वर्मा जी, कवयित्री महादेवी वर्मा जी, अपने प्रियतम अंडर ब्रैकेट लिखिए आराध्य प्रभु ब्रैकेट क्लोज तक पहुंचना चाहती हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वे अपने मन रूपी दीपक से निरंतर जलने और प्रियतम तक पहुंचने के मार्ग को प्रकाशित करने का आग्रह करती हैं यह दीपक कवयित्री की आस्था कवित्री की आस्था विश्वास एवं प्रेम का प्रतीक है। हेडिंग है उद्देश्य। इस कविता में कवित्री अपने आत्मविश्वास
एवं आस्था रूपी दीपक को निरंतर जलते रहने का आग्रह करती है कवित्री अपने प्रियतम रूपी ईश्वर तक पहुंचना चाहती हैं और प्रियतम तक पहुंचने के लिए इस दीपक से निरंतर जलने का आग्रह करती हैं कवित्री केवल इतना कर अर्थात अपने ईश्वर अथवा अपने प्रियतम तक पहुंचकर ही संतुष्ट नहीं हैं वे चाहती हैं कि उनके जीवन का कण कण संपूर्ण संसार को प्रेरणा दे तथा सभी परोपकार के लिए अपने जीवन का प्रयोग करें कवित्री ने इस कविता में उन असंख्य तारों को जो किसी को उजाला नहीं दे सकते स्नेहहीन कहा है कवित्री अपने जीवन के कणकण को मोम की तरह गलकर भी
संसार को प्रकाशित करने का संसार को प्रकाशित करने का आग्रह करती हैं आग्रह करती हैं। इस कविता के द्वारा कवित्री का उद्देश्य संसार को परोपकार करने हेतु प्रेरित करना है हेडिंग है विषय वस्तु। कवित्री ने आस्था रूपी दीपक को हर परिस्थिति में जलाए रखने का संकल्प लिया है वह हर विषम परिस्थिति में हृदय रूपी मंदिर में आस्था के दीपक को जलाकर अपने अंतःकरण के अंधेरे को दूर कर अपने प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है तार्किकता। कवित्री ने अपने प्रियतम से अपने प्रियतम से मिलने तक अपने मन के आस्था प्रेम एवं विश्वास रूपी दीपक को जलते रहने के
लिए आग्रह किया है, जलते रहने के लिए आग्रह किया है। कवयित्री के प्रियतम, कवयित्री के प्रियतम उनके आराध्य प्रभु हैं, उनके आराध्य प्रभु हैं, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रभु अथवा ईश्वर, कि प्रभु अथवा ईश्वर निराकार एवं, निराकार एवं अव्यक्त हैं, अव्यक्त हैं। फिर कवयित्री उनसे कैसे मिल पाएंगी, मिल पाएंगी। कवयित्री का मानना है, कवयित्री का मानना है कि कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हमारी श्रद्धा विश्वास, विश्वास एवं आस्था में कमी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। अपने प्रियतम को, अपने प्रियतम को पाने के साथ ही, पाने के साथ ही कवयित्री अपने दीपक से, कवयित्री अपने दीपक से यह भी आग्रह करती हैं, यह भी आग्रह करती हैं कि वह समाज, कि वह समाज हित के लिए, समाज हित के लिए भी जले, भी जले और समस्त मानव जाति को परार्थ जलने, परार्थ जलने एवं प्रकाशित होने, एवं प्रकाशित होने हेतु प्रेरित करे, हेतु प्रेरित करे।
स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सेलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।